हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विकास और बिना कोई टाइम पास आप देख रहे हैं टेक हेल्पर विकास। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को अपने नावबार में अपना फ़ोटो लगाना बताऊंगा और अपना नाम लिखना बताऊंगा। पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को फ़ोटो लगाना बताया था दोस्तों, और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को नाम लिखना बताऊँगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने नावबार में अपना नाम लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से अपना नाम लिख सकते हैं और अपने दोस्तों को चौंका सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का लुक देगा दोस्तों आपके फ़ोन को, अगर आप इसमें लिख के रखते हैं अपना नाम तो, और उसमें बहुत सारे एनिमेशन भी देखने को मिलेंगे आपको। तो बिना कोई टाइम पास चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना होता है दोस्तों, जो कि बहुत ही हल्का ऐप है और उसका साइज़ बहुत ही छोटा है, ठीक है। सिंपली आपको उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होता है। तो मैं अभी उस ऐप को ओपन करता हूं दोस्तों, उसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों को वो ऐप का क्या नाम है, उसको डाउनलोड कैसे करना है बता दूंगा, ठीक है। तो सिंपली मैं उस ऐप को अभी ओपन कर लेता हूं। तो ओपन करने के बाद यहां कुछ इस टाइप का इंटरफेस इसका होता है दोस्तों, स्मार्ट नावबार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने ओपन किया यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिला, सिक्वेंसी रैंडम रिवर्स, ठीक है। तो आप इसमें जो भी सिलेक्ट करें दोस्तों, आपका जो मर्जी। यहाँ पे देखिए लास्ट में कॉर्नर में आपको ऑप्शन आ रहा है ऑन और ऑफ का, ठीक है। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए नीचे हमारा नाम टेक हेल्पर विकास चलने लगा है, ठीक है। तो मैंने पहले सेट किया था दोस्तों, इसलिए ये चल रहा है, ठीक है। तो अब इसको चेंज कैसे करना है, अब इसमें आप अपना नाम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रॉल इफेक्ट का ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। इसको अगर आप ऑन करेंगे तो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, स्क्रॉल इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे नाम लिखने की बात आती है तो नावबार टेक्स्ट स्लाइड शो, इस पर आपको क्लिक करना, ठीक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे फर्स्ट में ये ऑप्शन आएगा आपको टेक्स्ट नोट, ठीक है। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे इंटर योर टेक्स्ट ऐड पे क्लिक करके आप अपना नाम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ऐड करके अपना नाम यहाँ से लिख दें, तो यहाँ मैंने टेक हेल्पर विकास लिखा है, तो इसको सिंपली आप डिलीट कर दें और यहाँ से अपना नाम ऐड कर लें, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी अपना नाम ऐड कर रहे हैं दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर से चलिए ये वाला ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ विकास लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो कलर ग्रीन है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसा आपका नावबार का कलर होगा बिल्कुल उसी टाइप का ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एनिमेशन स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको जितना करेंगे दोस्तों उस तरह से इसका स्पीड रहेगा, स्लो करेंगे तो स्लो रहेगा, फास्ट करेंगे तो फास्ट रहेगा। और यहाँ पे एनिमेशन पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप रैंडम सेलेक्ट करते हैं तो देखिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ऊपर से नीचे आएगा फिर बुझ जाएगा, फिर लेनियर अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस रहेगा। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर नीचे ये होते रहेगा, फ्लैश करेंगे तो ये और ऑफ होगा ऑन होगा, ऑफ होगा ऑन होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का। पल्स अगर करते हैं तो ये देखिए ऑफ होगा ऑन होगा, ठीक है। अगर आप रबर बैंड पे क्लिक करते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक छोटा होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना नाम लिख सकते हैं और टेक्स्ट साइज आप इसको बड़ा कर सकते हैं दोस्तों, अब जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे पोजीशन आप किस साइड में रखना चाहते हैं, एक साइड या फिर वाई, आप जहाँ भी रखना चाहते हैं इसको रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको मैं अभी मिडिल में ही रहने देता हूँ, ठीक। और यहाँ से एनिमेशन में आप देख लिए दोस्तों कितना एनिमेशन है, आप जितना चाहे उतना चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट कलर है, ठीक है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको अब कट करके दिखाता हूँ दोस्तों, मैं इसको अगर कट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा नीचे विकास लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं वॉलपेपर इसका चेंज करके आपको दिखाता हूँ तो वहाँ पर आप लोग आसानी से देख सकते हैं मेरा नाम लिखा आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से वॉलपेपर आपको चेंज करके दिखाता हूँ दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे मेरा नाम लिखा आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा है। इसका एनिमेशन भी आप देख सकते हैं, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है फिर छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का लुक देगा दोस्तों, आपके दोस्त बिल्कुल ही चौंक जाएंगे, कैसे किया मुझे भी बताओ ये पूछेंगे, ठीक है। इस ऐप का नाम क्या है सिंपली अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ से अपना नेट ओपन करना है, प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है दोस्तों नावबार, ठीक है। क्या सर्च करना है, नाव
बार। यहाँ पे नौ बार आप जैसे सर्च करेंगे दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट में ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे मैंने बताया उसी तरह से आपको इसको ओपन करके नाम यहाँ पे अपना सेट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।